वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए एक और पराठे की रेसिपी लेके आए हैं जो है बीट रूट से बनने वाला। ये देखिए, मैंने आटा पहले से लगा के रख लिया है, सॉफ्ट हो गया है। मैं 2-3 वीडियो में अपने पराठे का आटा कैसे लगाए आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ये मैंने दो मीडियम प्याज को बारीक काट लिया है। ऐसे ही मेरे पास दो सॉफ्ट वाली बीट रूट पड़ी थी, वो मैंने ले ली है। ऑयल ले लिया है। इधर मैंने उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है। एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। चाट मसाला लिया है। कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने 1 टेबलस्पून लिया है और ये गरम हो गया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये प्याज। इसको हम भूनेंगे, थोड़ा इसका कच्चापन निकालेंगे। ये प्याज इसलिए लाल लग रही है आपको कि मैंने बीटरूट को चॉप करने के बाद चॉपर में प्याज को चॉप किया, तो इसलिए इनका कलर इतना सुंदर आ गया है। और किसी भी चीज में आप पिंक कलर, रेड कलर डालना चाहते हैं तो बीटरूट बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेचुरल कलर है। और यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये तरह तरह के पराठे आप जरूर ट्राई कीजिए। इस बहाने से बच्चे सब्जियाँ खा लेते हैं जो सब्जियाँ वो नहीं खाना चाहते। तो बीटरूट भी कभी कभी मीठा आता है, सैलेड में अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो उतना मीठा नहीं होता है। और आपका रखा काफ़ी दिन हो जाता है तो आप उसको फ्रिज से निकालिए और इस तरह के पराठे बनाइए। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च। ये अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ आप बीज निकाल दीजिए इसके, हरी मिर्च के, लेकिन डालिए जरूर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे ये बीटरूट जो मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट भूनते हुए हो गया है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर लग रहा है। अब हम ये सारे सूखे मसाले इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल कर अलग रख लूंगी। ये थोड़ा सा मैंने अलग से निकाल लिया है, इसको ठंडा करेंगे। और ये देखिए, अब हम इसमें मिलाएंगे ये आलू, हमारा ग्रेट किया हुआ आलू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, मुझे ये नई नई रेसिपी बनाने का हौसला मिलता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो। उससे कोई हमें लाइक करने से पैसे नहीं मिलते हैं, वो केवल ये है कि आप हौसला अफजाई करते हैं, आप कहते हैं कि आपको ये पसंद आया है तो हमें फिर और वीडियो बनाने का मन करता है। ऐसे हम मिक्स करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और इस स्टेज पे मैंने नमक वगैरह सब चक्कर देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप जब फिलिंग भरें उसी समय आप इसमें नमक वगैरह चक्कर देख लें। और थोड़ा सा ग्रीन टच देने के लिए डालेंगे हम इसमें ये धनिया। आपको कितना खट्टा चाहिए, कितना स्पाइसी चाहिए, कितने मसाले चाहिए वो आप देख सकते हैं इस समय। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए कितने अच्छे से ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी की आ गई है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। बीटरूट और दही का रायता बनाने के लिए हमने दही को मत कर ले लिया है इसमें 1 बाउल, और आधा बीटरूट और 1 छोटी प्याज को मैंने थोड़े से ऑयल में उसको फ्राई कर लिया है। ये इसको हम इसमें डाल देंगे, इसका रायता बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हम कटा हुआ धनिया डालेंगे और ये लिया है मैंने काला नमक 2 पिंच, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और भुना जीरा। इसको हम कर देंगे इसमें मिक्स टेस्ट के हिसाब से।
और ये देखिए हमारा यम्मी सा लगने वाला रायता जो है वो बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही कलरफुल, बहुत ही हेल्दी ये रायता आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको सजाते हैं एक पुदीने की पत्ती से। ये देखिए इसको सजाएंगे हम एक पुदीने की पत्ती से और थोड़ा सा डालेंगे हमें ये बीट रूट ऊपर से और रेडी। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो पूरा ठंडा हो गया है और कितने अच्छे से देखिए बाइंड हुआ है, आप देख रहे हैं ना। इसमें मुझे हरा धनिया थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें हरा धनिया और डाल देती हूँ। और ये आटा हमारा तैयार है, इसकी हम लोइयां तोड़ेंगे। थोड़ी पतली, मैं पहले डबल परांठा आपको बता रही हूँ, जैसे फुलका हम बनाते हैं ना, चपाती बनाते हैं, उस तरह से हम ये आटा लेंगे। इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। सूखा आटा लगाकर हम इसको बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम दो चपाती बनाएंगे। मैंने पहले भी आपको डबल परांठा बनाना बताया है, यानी अगर आपकी फिलिंग थोड़ी सी गीली है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हमारी एक चपाती बन गई है, हम दूसरी चपाती का भी इस टाइप से लोई ले लेंगे। इसको आप अलग निकाल लें और फिर से हम एक चपाती बनाएंगे। इस बीच हमने यमी सा रायता भी तैयार कर लिया है, तो आप जरूर ये बीटरूट स्पेशल डिश बनाइएगा। हेल्दी होने के साथ साथ सुंदर भी लगती है देखने में। ये देखिए हमने ऐसे चपाती बना ली है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ये घी या ऑयल जो भी आपके पास है वो लगाएंगे और ये जो फीलिंग है इसको अब हम ऐसे स्प्रेड करेंगे। चारों तरफ हम इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। अच्छे से स्प्रेड हो गया ना, कितना अच्छे से स्प्रेड हो गया। अब हम इसके ऊपर ये दूसरी चपाती रख देंगे और इसको साइड से ऐसे ऐसे दबाएंगे, सील कर देंगे। मतलब इसको ऐसे हाथ से उठाएंगे हल्का सा और थोड़ा सा ऐसे सूखा आटा डालेंगे और इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा बेलेंगे, थोड़ा सा ही बेलेंगे। और तवा हम ऑलरेडी गर्म कर चुके हैं, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के हम इस पे तवे पे इसको डाल देंगे। ये देखिए परफेक्ट, इस तरफ से सिकने देते हैं, तब तक हम एक पराठा और तैयार करते हैं। ये हमने दूसरी लोई बनाकर इस टाइप से कर लिया है जो सिंगल पराठा है, क्योंकि हमारी फीलिंग जो है वो अच्छी बनी है। तो अब हम इसको भर लेंगे जितना हमें इसके अंदर भरना है। ये देखिए कितने अच्छे से कलर लग गया है हाथों पे, ये नेचुरल कलर है। और इसको अब हम ऐसे सील कर लेंगे, इसको पैक कर लेंगे जैसे हम दूसरे पराठे बनाते हैं और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे। फिर से आटा लगाएंगे और जहां से अगर खुल जाए तो उसको ऐसे पैक कर देंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं निकली है, इसका मतलब हमारी फीलिंग ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छी है, कोई भी पानी नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर कलर पराठे का आया है। आइए दूसरा पराठा चेक कर लेते हैं। ये पराठा हमारा इधर से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें लगा रहे हैं ऑयल, ऑयल घी जो भी आप लगाना चाहें। ये देखिए बहुत यम्मी लगने वाले हैं, जरूर ट्राई कीजिए। और आप अपनी तरफ से वो रेगुलर पराठे जो बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, जब एक चेंज होता है तो हमेशा अच्छा लगता है, और इस बहाने से आप बच्चों को भी देंगे। तो अब हम इधर से भी इसको सेक लेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्रिस्पी खाना है या आपको थोड़ा सॉफ्ट खाना है, उसी तरीके से आप इसको चारों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट पराठा जो है वो अच्छे से फूल गया है, कहीं से भी फिलिंग नहीं निकली है। ये भी एक अच्छा तरीका है इसको बनाने का। और ये देखिए हमारा क्रिस्पी सा यम्मी सा लगने वाला पराठा जो है वो बनकर तैयार है। आप यहाँ से इसकी फीलिंग देख सकते हैं जो झांक रही है। और ये देखिए क्या कलर है पराठे का, बहुत अच्छा लगेगा। ये एक सरप्राइज पराठे की तरह से है, आप ऐसे सर्व कीजिए
और जब अंदर से खोल के देखेंगे तो कहेंगे वाओ, ये देखिए परफेक्ट। तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा पराठा डालते हैं। ये हमारा दूसरा बीटरूट पराठा है और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर कलर लग रहा है, यानी दोनों तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको भी सीखने की इंतजार करते हैं। अब हम इसको पलटेंगे। यस, ये दोनों तरफ से सिक गया, एक तरफ से सिक गया है, दूसरी तरफ से सिकेंगे। तब तक हम इसमें लगाएंगे ऑयल। जरूर ट्राई कीजिएगा और जो भी आप चीज मन से खुश होके बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनेगी। और ये पैंडेमिक का टाइम है और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, बी सेफ। यही हम अपनी डेली प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। दूसरी तरफ से भी हम इसमें ये ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए फीलिंग इतनी ज्यादा हमने इसमें भरी है कि वो बाहर दिख रही है। तो इधर से भी हम सेक लेंगे इसको, दोनों तरफ से उलट पलट के इसको क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेकेंगे, इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना सुंदर ये पराठा बनकर तैयार है। तो इसकी भी हम करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए, एक तो ये देखिए सिंगल पराठे की भी फिलिंग देखिए आप कितनी बढ़िया है, और ये डबल पराठे में तो वैसे ही फिर बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया फीलिंग है। और सेम बीटरूट और उसके साथ प्याज का रायता है। तो ये जो यमी सा रायता है ये देखिए, इसको भी बीटरूट प्याज के साथ मैंने बनाया है और ये चंक्स की तरह है, मैंने इसको कसा नहीं है। आप देखिए यहां पर भी मैंने, ये देखिए यहां पर भी मैंने इसको कसा नहीं है, ये देखिए चंक्स हैं इसमें। तो ये जब आप खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। जब कस लेते हैं तो उसमें फिर वो क्रंचीनेस नहीं आती, तो आलू की सॉफ्टनेस है। जरूर खाइए, जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।